जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कैसे हैं प्यारे मित्रों? विश्वास करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद में होंगे। आइए प्यारे मित्रों, पिछले कई वीडियोस की भांति इस बार भी मेरी वीडियो एक ही उपाय से आप दो कार्य सिद्ध कर सकते हैं। ये जो आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, यदि आपने ये उपाय श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ कर लिया तो आपके इसी एक उपाय से दो समस्याओं का हल हो सकता है। पहली समस्या, जिनकी संतान ना होती हो, जिनकी शादी को 5-5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल तक हो गए हों लेकिन फिर भी संतान ना हो रही हो, दवा खा करके परेशान हो गए हों, शरीर स्वस्थ ठीक हो, मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक हो लेकिन फिर भी संतान ना हो रही हो, तो प्यारे मित्र यदि आपने आज का ये मेरा उपाय कर लिया तो आपको ठाकुर जी का अवश्य आशीर्वाद मिलेगा। और दूसरी समस्या क्या है इस उपाय के करने से हल होगी, वो ये कि यदि किसी घर में कलह क्लेश रहता है हर समय, एक घर में पिता है, पुत्र है, माता है, बहू है, बेटा है, 5 या 6 लोग हैं लेकिन फिर भी किसी के आपस में विचार नहीं मिलते, आपस में खिंचातानी रहती है, आपस में दिमागी टेंशन रहती है, कोई किसी से बोल करके खुश नहीं होता, तो ये कलह क्लेश जो है ये जीवन को पीछे पीछे धकेलता है। और यदि आज आपने मेरा ये उपाय कर लिया तो आपके घर का कलह क्लेश बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सबके भीतर प्रेम का भाव पैदा होगा, सम व्यवहार पैदा होगा और हंसी खुशी का माहौल जो है परिवार में बना रहेगा। आज परिवारों में 5-5, 7-7 लोग हैं लेकिन उनके तब भी विचार नहीं मिलते। आप विचार करें कि पहले ज़माने में, आज से 60-70 साल पहले, एक घर में 10-10, 15-15, 20-20 लोग होते थे और सभी बड़े प्रेम से रहते थे, बड़े भाव से रहते थे, लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि इस माहौल में किसी की किसी बनती ही नहीं, विचार नहीं मिलते, पुत्र के पिता से विचार नहीं मिलते, पिता के अपने पुत्र से विचार नहीं मिलते, भाई भाई के विचार नहीं मिलते, तो ये समस्या भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो प्यारे मित्रों, धर्म के माध्यम से हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। देखो, गीता जी में भी और भागवत के 11वें स्कंद में भी भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, मुक्ति तो ज्ञान से मिलती है, जब ज्ञान पैदा होगा हृदय में तो उससे मुक्ति प्राप्त होगी। और आज का वीडियो आप फॉलो करें, अपने मित्रों को शेयर करें, यदि आपको समझ में ना आए तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, जन्मपत्री दिखाना चाहें तो मेरे को जन्मपत्री भी दिखा सकते हैं, मैं जन्मपत्री का विश्लेषण करके आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है या आप मुझसे कोई भी प्रश्न करेंगे तो मैं जन्म पत्रिका अध्ययन करने के बाद आपको उसका उत्तर दूंगा कि ये समस्या हल होगी या ये समस्या नहीं हल होगी या ये समस्या और बढ़ेगी या घटेगी। तो प्यारे मित्रों, आओ मैं अब चलता हूँ उपाय के ऊपर। देखो, यदि आपने ये उपाय किया तो आपको हनुमान जी महाराज जी का आशीर्वाद जो अवश्य प्राप्त होगा। आप उपाय को ध्यान से सुने, बेलपत्र की 108 पत्तियां लेकर के, जी हाँ, बेलपत्र, ये वही बेलपत्र जो भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, शिवलिंग पर अर्पण किया जाता है, उसी बेलपत्र की 3 पत्तियों वाला, एक पत्ती नहीं लेनी, 3 पत्तियों वाला बेलपत्र लेकर के आप लाल चंदन से, रोली से नहीं, कुमकुम से नहीं, केवल लाल चंदन से, ये बाजार में मिल जाता है लाल चंदन चूरा, लाल चंदन से उस बेल पत्र की एक पत्ती के बिल्कुल मध्य भाग में आप श्री लिखें, श्री, और शेष जो 2 पत्तियां हैं उसके साथ जुड़ी हुई उनके ऊपर एक एक बिंदी लगा दें लाल चंदन की। फिर से समझ लें, 3 पत्तियों वाले बेल पत्र की 108 पत्तियां आप लें और एक बेल पत्र की बिल्कुल सेंटर में आप श्री लगाएं, श्री लिखें लाल चंदन से,
और श्री लिखने के बाद जो उसके साथ दो पत्तियां और जुड़ी हुई हैं उनके ऊपर आप एक एक बिंदी लगा दें। उसके पश्चात उन 108 पत्तियों को मोली कलावे के धागे में, लाल रंग के धागे में, किसी कच्चे सूत में, उन 108 पत्तियों की आप माला बना लें। और माला बनाने के बाद आप उस 108 पत्तियों वाले बेलपत्र की जो माला है वो हनुमान जी के गले में धारण कर दें। यदि आपने ये उपाय कर लिया, आपकी दो समस्याओं का हल बड़ी शीघ्र, बहुत ही शीघ्र हो जाएगा। जिनकी संतान नहीं होती, संतान से बड़े दुखी रहते हैं, संतान ना होने के कारण मानसिक तनाव है, घर में झगड़े का वातावरण है, ताने मिलते हैं, वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे। संतान की प्राप्ति आने वाले 3 या 4 महीनों के अंदर ये उपाय करने के उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरी, आपके घर में कोई कलह है, कोई विचार नहीं मिलते, घर में झगड़ा रहता है, अनाचार होता रहता है घर में, कोई किसी से बोलता नहीं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो घर का कलह क्लेश भी इस एक उपाय से खत्म हो जाएगा। ये प्यारे मित्रों अनुभूत है और ये हमारे द्वारा उपाय भक्तों से कराए गए हैं। और मैं सभी वीडियोस जो मैंने आज तक बनाई वो सारी की सारी वीडियोस मेरी अनुभूत हैं। आप किसी भी वीडियोस को देखें तो सारे के सारे उपाय मेरे द्वारा स्वयं अनुभूत अर्थात प्रैक्टिकल में लोगों के द्वारा मैंने कराए हैं वो उपाय, और उन लोगों को अच्छे फल की प्राप्ति हुई है। प्यारे मित्रों, आप भी यदि ग्रह कलह से या संतान ना होने से दुखी हैं तो कृपया करके मेरे इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखें। और जिनके संतान नहीं है वो 3 से 4 महीने की प्रतीक्षा करें, इन उपाय करने के 3 से 4 महीनों के अंदर उनके यहाँ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। देखो कितना सरल उपाय मैंने आपको बताया। प्यारे मित्रों, यदि आपको मेरा उपाय अच्छा लगे तो आप इसको आगे और भी इसको शेयर करें अपने मित्रों को, दोस्तों को। मेरे इस चैनल को यदि आपको अच्छे लगते हो मेरे उपाय, सरल उपाय, आप देखिए मेरी वीडियो, बहुत ही सरल उपाय सारे के सारे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिल कोदंड के नाम से मेरा ये चैनल है और ये चैनल मैंने आप सबकी सेवा के लिए ये चैनल बनाया है, ताकि जीवन में सबसे बड़ा दुख जो है वो संतान ना होना है, और दूसरा दुख जो है घर का ग्रह क्लेश जो है वो भी खत्म होगा। और अगर किसी के शरीर में कोई रोग है और वो अपने रोग से बड़ा दुखी है, या जैसा आज का वातावरण चल रहा है, कोरोना का माहौल चल रहा है, कोरोना की उस वायरस से सभी दुखी हैं, पीड़ित हैं, आक्रांत हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो डरा हुआ सहमा हुआ ना हो इस कोरोना की मार से, तो यदि वो ये उपाय करेंगे तो उनको हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलेगी। शरीर का कोई भी रोग हो वो इस एक ही उपाय करने से उनके शरीर का रोग भी हनुमान जी महाराज स्वस्थ कर देंगे। प्यारे मित्रों, आपको अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं। जन्म पत्रिका अध्ययन कराना चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म का शहर, जिस शहर में आपका जन्म हुआ है, वो आप मुझको लिख करके भेज दें, तो मैं कुंडली का अध्ययन करने के बाद आपको आपकी समस्या का हल जो है अतिशीघ्र बता दूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित अनिल कोदंड, श्याम सखा।